बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासिर महमूद के बच्चे का नाम खुशामदीद। दोस्तों, मैंने आज बहुत मज़ेदार से लेमन पेपर चिकन बॉल्स बनाए, बहुत आसानी से बने। तो ये मैंने कैसे बनाए, आप जाइए इसकी रेसिपी देख के आइए। जी दोस्तों, तो इसका मसाला रेडी कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टी स्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, आधा टी स्पून चिकन पाउडर और तो आधा ही टी स्पून सफ़ेद कुटी मिर्च। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मेरे पास आधा किलो मुर्गी का कीमा है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टी स्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टी स्पून हॉट सॉस डालेंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी दोस्तों, तो जो मसाला बना था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ साथ एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कुतरी हुई और तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया ताज़ा कटा हुआ, और उसके अलावा 2 हरे प्याज है बारीक कटे हुए, वो डालेंगे। और उसके अलावा हम इसमें एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे जो इसको बाइंड करेगा। तो फ्रेंड, इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। जी दोस्तों, तो ये मिक्स हो गया। इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हम आज से आधे घंटे के बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, हमारा बैटर अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के साइज़ का हम उठाएंगे। बहुत सॉफ्ट है ये, नरम नरम उंगलियों की मदद से हम इसके बॉल की शेप दे लेंगे, जैसे हम कोफ्ते को बनाते हैं इस तरीके से। हल्का हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो फिर ये अंदर से हार्ड हो जाते हैं। ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त हमारी बॉल बन गई। इस तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं। जी दोस्तों, हमारी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। तो अब हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। मेरे पास 1.5 कप मैदा है, बल्कि 2 कप मैदा। इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 ही चुटकी हम काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी कोटिंग रेडी हो चुकी है, बहुत ईजी है। तो एक एक बॉल उठाएंगे और उसको अच्छे तरीके से इसमें रोल करेंगे, कोट करेंगे सारी तरफ से। हमने पतली सी लेयर ही लगानी है, हमने ज़्यादा मोटी नहीं लगानी। इस तरीके से मैं सारी बॉल्स रेडी कर लेता हूँ। जी दोस्तों, हमारी सारी बॉल्स रेडी होगी। आपकी मर्ज़ी फ्रीज कर लें, आपकी मर्ज़ी फ्राई कर लें। तो मैं इनको अभी फ्राई करूँगा जल्दी जल्दी से। तेल गरम है, आग स्लो है, तो हमको 6 से 8 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। और अब इनको हिलाते हिलाते हम पकाते जाएंगे ताकि सारी तरह से एक बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर जो सबका आइडियल होता है वो इनके ऊपर आ जाए। आग मीडियम ही है, स्लो नहीं है। जी दोस्तों, तो हमारी बॉल्स 8 मिनट में रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे अच्छे तरीके से निचोड़ कर, ताकि इनका सारा एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। इस तरीके से मैं सारी बॉल्स फ्राई कर लूँगा और फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, बॉल्स सारी रेडी हैं। इसके ऊपर मैं मेयोनीज के साथ, मैंने एक शॉपिंग बैग के अंदर मेयोनीज डाला है ताकि पतली पतली सी इनके ऊपर एक लेयर मैं ड्रॉ कर सकूँ। बहुत खूबसूरत और टेम्पटिंग लगती है इस तरीके से डेकोरेशन। और इसके साथ साथ मेरे पास इसी तरीके से मैंने कैचअप लिया हुआ प्लेन। आप उसकी जगह हॉट सॉस भी ले सकते हैं या कोई और दूसरा सॉस भी ले सकते हैं। तो मैंने इनके ऊपर ड्रिजल कर दिया अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर डाल देंगे ताकि और ज़्यादा टेम्पटिंग लगे ये। जी दोस्त, हमारे मज़ेदार से चिकन बॉल्स रेडी हैं और लेमन चिकन बॉल्स भी इनको आप कह सकते हैं। तो होप्स आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।